तो देखिए, हाँ, बेल का शरबत बनाने के लिए 2 कलछी मैंने गिलास में डाल लिया है आम का पल्प जो मैं बनाया हूँ, और इसमें हम 2-3 आइस का टुकड़ा डाल लेते हैं। 1 पिंच डालेंगे इसमें हम भुना जीरा का पाउडर, और 1 पिंच हम इसमें काला नमक डालेंगे, और ठंडा पानी इसमें हम डालेंगे। देखिए, यहाँ शरबत तैयार। अब इसमें हम 2-3 पुदीना के पत्ती को तोड़ के डाल लेते हैं। शरबत मेरा तैयार। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, रंजू किचन में आप लोग का स्वागत है। कैसे हैं, उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। देखिए, ये बेल है पका हुआ। अब इसको इस तरह मैंने फर्श पे पटक पटक कर इसको, इसके ऊपर के खोखले को मैं थोड़ा सा तोड़ ली हूँ और इसको अच्छे से खोल के निकाल दी हूँ। आप फर्श पे भी पटक सकते हैं, या कोई कठोर चीज़ हो जैसे हथौड़ी हो, वजन लोहा का, उससे भी आप इसको तोड़ सकते हैं। तो यहाँ सारा पल्प मैंने निकाल लिया। अब इसका आधा पल्प का मैं शरबत बनाऊंगी और आधा पल्प को मैं रखूंगी, बाद में मैं बनाऊंगी। तो बने रहिए मेरे वीडियो में देखने के लिए। यहाँ देखिए, ठंडा पानी मैंने आधा लीटर डाल दिया है, और इसको चम्मच के सहारे ऐसे दबा दबा के इसको पल्प को इसमें मिक्स कर लेना है ताकि अच्छे से पानी में घुल जाए। अब यहाँ थोड़ा बहुत बाकी है, उसके बाद इससे मैं प्रेस करके इसको अच्छे से कर लूँगी ताकि बढ़िया से घुल जाएगा सारा गुदा इसका, तो पानी में शरबत बनाने में अच्छे से मिल जाएगा। अब यहाँ इस तरह इसको हम धुल के निकाल लेते हैं, और आगे का प्रोसेस में हम अब चलेंगे छलनी के साथ छानेंगे। और इसमें का जो बीज है और रेशा है सबको हम निकाल देंगे अच्छे से इस तरह के करके। इसको थोड़ा सा हथेलियों के सहारे से अब हम इसको साफ़ कर लेते हैं, नहीं तो इसमें बेल का पल्प रह जाएगा, इसलिए इसको हम थोड़ा सा निकाल लेंगे इस तरह। और देखिए, यहाँ फ्रेश हो गया सारा रेशा है और बीज सब निकल गया। इसी तरह हम बाकी को भी इस तरह बना लेंगे। अब यहाँ देखिए, 3 चम्मच हमने चीनी डाला है पिसा हुआ, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और 1 चम्मच जीरा पाउडर है भुना हुआ, 1 चम्मच काला नमक है। अभी सबको भी हम मिक्स करके तैयार कर लेंगे, और 1 जार में निकाल लेंगे। अब आप इसको गिलास में सर्व करने के लिए इस तरह निकालिए और सर्व कीजिए। देखिए, जूस तैयार हो गया, पेट के लिए बहुत फ़ायदा है, बहुत ठंडा है। इसमें आइस के टुकड़ा डाल दीजिए और इंजॉय कीजिए। यहाँ देखिए, आधा पल्प जो बचा है उसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे, और उसी तरह इसको भी पानी डाल के हम पल्प को ढीला कर लेंगे प्रेस करके इस तरह के। सब इसमें अच्छे से पानी में घुल जाएगा उस, तो इस तरह प्रेस करके इसको इसमें। अब देखिए, थोड़ा सा और पानी डाल लेंगे हम। सब टोटल 1 लीटर पानी हमने इसमें डाल दिया है, और अभी इसको और प्रेस करना है इस तरह ताकि सब पल्प पानी में अच्छे से घुल जाए। अब इसको हम इससे प्रेस करेंगे ताकि जो भी गुठली इसमें की है पल्प का वो सब अच्छे से मिक्स हो जाए। तो 1 मिनट तक इसको हम इससे मिक्स किए हैं। अब यहाँ हम देखिए छलनी बर्तन ले लिए हैं, और फिर उसी तरह इसको भी यहाँ हम छान लेंगे। और इसको आप मिक्सर में नहीं बनाएंगे जूस को, क्योंकि मिक्सर में इसका बीज मिक्स हो जाएगा, पिसा जाएगा, तो बेल का रस कर्च मारने लगेगा, पीने लायक नहीं रहेगा। तो इसलिए हमको इस तरह हाथ से चम्मच के सहारे इसको बना लेना है, इस तरह छान लेना है, बीज को रेशा को अलग कर लेना है। और गर्मी में इसका जूस पीने से पेट ठंडा रहता है, बहुत फ़ायदेमंद है। तो आप इस तरह बनाइए, और वीडियो मेरा अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। और ऐसे ही बहुत सारी यूनिक रेसिपी मैंने डाला है और आगे का भी आप लोग का सहयोग रहेगा तो रेसिपी पढ़ती रहेगी। अब यहाँ देखिए पूरा पल्प मैंने निकाल लिया है छान के। अब इसको हम ले चल रहे हैं चीनी डालने के लिए, तो इसमें हम 1.5 कटोरी चीनी डाली है और गैस पर इसको 2 मिनट के लिए रख देंगे पकने के लिए। और ऐसे ही बीच बीच में इसको चलाते रहना है। अगर आप चलाने में कंजूसी कर देंगे तो नीचे पकड़ने लगेगा, इसलिए इसको इस तरह चलाना है। तो देखिए कलर चेंज हो गया, बदल गया, अच्छे से पक गया। अब इसको हम उतार लेते हैं और 4-5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए इसको हम रख देते हैं। 5 मिनट बाद मेरा रस ठंडा हो गया। अब इसमें देखिए 2 नींबू के रस हम डाल दिए हैं और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें एक जार में हम रख देंगे। अब इसको आप चाहें तो फ्रिज में रख के 2-3 महीनों तक इसको पी सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। अब इसको हम ढक्कन बंद कर देते हैं और जो बचा है जूस मेरा इसको हम गिलास में डालते हैं। अब इसमें देखिए आप चम्मच से ना पिए, कलछी से 2 कलछी डाले हैं। अब इसमें हम 2-3 आइस डालेंगे और 1 पिंच भुना हुआ जीरा पाउडर डालते हैं, 1 पिंच काला नमक डालते हैं और इसमें ठंडा पानी हम डालेंगे और 2-3 पत्ता पुदीना के अच्छे से तोड़ के हम इसमें डाल लेते हैं। देखिए इसको इस तरह इसको तोड़ के हम इसमें डाल लेते हैं। तो सर्व कीजिए दोस्तों, और वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। बाय दोस्तों।